अभी प्रेत की चर्चा हुई, प्रेत से एक भक्त ने वृंदावन में भी भगवान का दर्शन किया, मैं अभी जयपुर में सुना रहा था। और जिनकी ये कथा है महाराज जी, वो हमारे नाना जी के परिवार के हैं, मतलब हमारे नाना जी नंदगांव के थे, उन्हीं के ही परिवार के एक सदस्य की घटना है। तो एक बाबा रहते थे नंदगांव में, और वो बाबा नित्य मधुकरी पाते थे, मधुकरी मतलब ब्रजवासियों के यहां से मांग के लाते थे मधुकरी प्रसाद, और उसको बैठ करके जीमते थे, और जो मधुकरी प्रसाद बच जाता था ना, वो वहीं एक एक ग्राम से आता था उनकी कुटिया के पास, उसको खिला देते थे, उसको बांट देते, चीटियों में डाल देते, ऐसा ऐसा करते थे। एक बार उन बाबा को कहीं किसी अन्य स्थान पर एक दो दिन के लिए जाना हुआ, अब दो दिन के लिए बाबा चले गए, दो दिन बाद तीसरे दिन जब लौट करके आए, तो तीसरे दिन रोने की उनको आवाजें आने लगी, कोई रो रहा है। तो बाबा ने कुटिया से निकल करके पूछा, अरे भाई कौन रो रहा है, कहां से आवाज आ रही है? तभी एक ज्योति जैसी प्रकट हुई और वो कहने लगी, बोले बाबा प्रणाम, मैं नंदगांव को ही एक व्यक्ति हूं, मेरे द्वारा एक अपराध बन गयो, और देखो ब्रज की कितनी कृपा है, यहां इतने बड़े अपराध करने पर भी प्रेत तो बनो, लेकिन प्रेत भी ब्रजमंडल को ही बनाऊं, ब्रज को ही प्रेत बनाऊं बाबा, तो मैं प्रेत बन गया हूं, मैं आपको आज धन्यवाद कहवे आया हूं। काय को? बोले क्योंकि आपने, मैं जब ग्राम सिन्ह के रूप में आपके यहां आता, तो आप रोज मधुकरी, एक तो ब्रजवासीन के घर की मधुकरी, और वाकू आप उच्छिष्ट कर देते, तो ब्रजवासीन के घर की बनी आपके उच्छिष्ट, याकू मैं जब एक ग्राम सिन्ह के रूप में पायो करतो, वही से मेरे पाप नष्ट होते चले गए, और अब मैं मुक्त है गया हूं। बाबा आपकी झूठन खावे से, ब्रजवासीन के घर की मधुकरी पावे से मैं मुक्त तो दो दिन पहले है गो, पर दो दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप आए नहीं, आप आ गए हो तो बाबा मैं अब मुक्त है रहे हूं, आपको धन्यवाद कहवे आयो। बाबा बोले, ओ प्रेत रुक, यहीं पर रुक जा, रुक जा, रुक जा, अभी इतनी जल्दी मुक्त है कि कहां जा रहे हो, यहीं रुक। बोले भैया तू एरो गैरो भूत नहीं है, तू तो ब्रज को भूत है, और ब्रजवासी है निश्चित ही पूर्व जन्म को, तेने इतने दिना तक मेरी झूठन प्रसाद पाई, तेरे पाप मैंने मुक्त कर दिए, तू मेरा एक काम ना करेगो? तो प्रेत बोला, बोले आज्ञा करो बाबा, कहा करूं? बोले ये बता दे, नंद नंदन कहां मिलेंगे, श्री कृष्ण कहां मिलेंगे? आह, प्रेत से कहने लगे, श्री कृष्ण कहां मिलेंगे बताओ। मुझे लगता है बंधुओं, इन सब कथाओं को कहते हुए, हम अगर प्रेत की चर्चा सुन के भी भयभीत हो रहे हैं ना, तो समझो अभी भक्ति कम है हमारे भीतर। प्रेत में भी गुण देखे वो वैष्णव का स्वरूप होता है, हम कहां हैं अभी वैष्णव? वो प्रेत से कह रहे हैं कि अरे प्रेत, तू देख मुक्त है क्यों, मेरी झूठन खा के तेरो ते, तो मैंने मुक्त कर दियो, अब तू मेरो काम कर। बोले कहा, मुझे बता दे नंद नंदन कहां मिलेंगे। बाबा चरणों में गिर गए, बोले मैं तेरे हाथ जोड़ू, मैं तेरे तेरे नाम ते मैं रोज नाम जप करूंगो, तू मुक्त है जाए, तेरा पूरा परिवार मुक्त है जाए, कोई प्रेत बाधा में नहीं रहेगा, लेकिन बस एक बार मुझको ये बता दे, तू भैया प्रेत है तो जरूर पता होगी ठाकुर जी कहां, मुझको ये बता दे वो नंद नंदन कहां मिलेंगे। प्रेत आनंद में भर गया, बोले बाबा बताऊं कहां है? बोले बताओ। प्रेत ने बताया, बोले कि बाबा एक ग्वारिया गैया चरा तो भयो जावे, और बाकी गैयान में एक गैया ठाकुर जी की गैयान की वंश की वंशधर है, उन्हीं की वंशज है, और वा को दूध पीवे के काजे शाम के समय वा गैयान के झुंड में नन्हे से बालक को रूप धारण करके ठाकुर जी रोज आमे, और गैया चलती रहे ठाकुर जी नीचे लटक के वा को दूध पी ले में, और पी के सोई भाज जाए माते। बाबा बस इतनी जानकारी मैं दे सकूं, वो बालक कोई और नहीं है, वो नंद नंदन ही है जो गैया को दूध पीवे आम। ऐसा कहकर के प्रेत मुक्त हो गया, और बाबा जाकर के बैठ गए एक झाड़ी के नीचे, पीछे छुप करके बैठ गए, वो ग्वारिया का पूरा हुलिया बता दिया था, ऐसा है ऐसी गैया है सब है, चलने लगे, चलते 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 देखा, तभी बाबा ने अपनी नजर ऊपर करके देखी तो कमल नेत्र है, आहा क्या भ्रगुटी, इधर उधर अपने नेत्रों को घुमा रहे हैं,
अपने होठों को अपनी जिह्वा से जब बिल्कुल गीला कर लेते हैं, बाकी सी चाल चल रहे हैं, गैयान की छुप छुप के चल रहे हैं, कहीं ग्वारिया देख नहीं ले मुंह को। और जिस प्रकार एक बानर, कभी बंदर, बंदर के बच्चे देखो हमारे वृंदावन में आके, वो ऐसे लटके रहते हैं नीचे मैया के गर्भ से, ऐसे ठाकुर जी अपने दोनों भुजा और पैरों से गैया के नीचे लटक गए और वाके थनन को मुख में लेके वाको पान करन लगे। आहा, ये दृश्य जैसे ही देखा बाबा तो आनंदित हो गए, चाह तो रहे थे कि अभी झपट लू, लेकिन सोचने पहले दूध पीने तो पेट भर ले फिर पकड़ूंगो, और दूध पी करके भगवान ने अपना मुंह पोंछा और जैसे ही चौकड़ी मार के भागन लगे, सामने बाबा आकर के खड़े हो गए और महाराज चरण पकड़ लिए, बोले अरे लाला मिल गयो मिल गयो मिल गयो, आज तो मेरो कन्हैया मिल गयो, अरे तू ही मेरो परब्रह्म है, तू ही मेरो सर्वस्व है, अरे बड़े दिनाते भजन कर रहे हो लाला, आज तो मिल गयो। अब ठाकुर जी रोमे, अरे दारी के बाबा मेरो पाम छोड़, मेरी मैया इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, बहुत मारेगी, अब आपको पता चल गई मैं इतने विलंब से गया हूं तो बहुत बहुत डांटेगी। बाबा बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से मिले, अब तो पकड़ ही लूंगो। ठाकुर जी ऐसी हरकत करने लगे कि बाबा को ऐसा लगे कोई सामान्य बालक है, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे देखो ये बाबा मुंह को पकड़ के ले जा रहा है, मुंह को जाके शहर में बेके आवेगो, अरे या बाबा को मूड फोड़ दो, ऐसे ठाकुर जी चिल्लाने लगे। वहां कुछ लोग इकट्ठे भी होने लगे, सब कहने अरे बाबा जी कहां कर रहा है, तेने ही छोरा कहीं को पकड़ लियो, जन कौन से ब्रजवासी को छोरा है। बोले अरे तुम ना जानो कोई ब्रजवासी को छोरा ना है, ये तो मेरे प्राण धन है, या को ना छोड़ूंगा या को तुम्हें ले जाऊंगा। इतने में ही ठाकुर जी जब समझ गए कि अब ये भाव इनका निर्मित हो चुका, अब ये पूर्ण रूपेण मेरे हो चुके, वो छोड़ेंगे नहीं, तुरंत ठाकुर जी ने उनके सिर पर वरद हस्त फेरा और फिर करके उनको अपने मधुर स्वरूप का दर्शन करा करके उनको हृदयांगित करके और बाबा को अपने संग ही गोलोक धाम को लेकर के चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बताओ भगवत प्राप्ति किसी को गुरु कराते हैं, भगवत प्राप्ति किसी को धाम कराते हैं, मन में यदि ललक हो तो भगवत प्राप्ति प्रेत भी करा देते हैं, लेकिन इच्छा ऐसी चित्त वृत्ति बन जाए, किसी से और कोई अभिलाषा ही नहीं है, केवल हमको श्याम सुंदर चाहिए और कोई नहीं चाहिए।